Hey you all developers, welcome back again. I'm your friend Nikhil and today we are going to learn about how to use UseReducer hook with context API. तो फ्रेंड आपका प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर src फोल्डर भी था उसको मैंने डिलीट कर दिया है और मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मेन एक एंट्री फाइल रहेगा index.js। ठीक है, और हम लोगों का जो रूट कंपोनेंट है इसका नेम रहता है app.js। ऑलराइट, अब ये बन गया। अब इसमें RFC फिलहाल के लिए मैं ये जो बॉयलर प्लेट है इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले तो React को इंपोर्ट करना है, उसके बाद React DOM को भी। React DOM को इसलिए इंपोर्ट करना है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे अपने ऐप को एप्लीकेशन को, ठीक है, माउंट करेंगे पब्लिक इस index.html फाइल के अंदर, ये जो रूट है इस आईडी को एक्सेस करके। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं react.dom.render, राइट। देखो इसमें दो रूट कंपोनेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट। देखिए एक इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, क्वेरी सेलेक्टर और हैश और रूट। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखना पड़ा। ऑलराइट, नहीं रहेगा। और यहाँ पर फिलहाल में टेस्ट करने के लिए हेलो ये लिखता हूँ, और फिर ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होने की वजह ये है कि मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मेरे पास देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ES7 समथिंग, ये देखिए। ठीक है, मेरे पास फ्रेंड ये एक्सटेंशन है ES7 React Redux GraphQL। अब आप लोग किसके साथ भी ये यूज कर सकते हो ये स्निपेट्स को। तो यहाँ पर यूज करने का भी प्रोसेस बताया गया है इसके नीचे, यहाँ पर देख सकते हो IMP। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स को यूज करके आप लोग अपना काम कर सकते हो। तो फ्रेंड अब इसको रन करके देखते हैं, तो npm स्टार्ट। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ये आ गया हेलो रिएक्ट। और फ्रेंड कुछ करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज रिड्यूसर हुक का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए रिडक्स में क्या था कि मुझे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ रहा था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी स्टेट मैनेजमेंट करने का ही काम करता है और रिडक्स भी, लेकिन रिडक्स आपको अगर स्टोर प्रोवाइड करवाना है तो उस स्टोर को मैनेज करने के लिए रिड्यूसर की जरूरत होती ही है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वैल्यू को पास कर देते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पर जैसे अभी रुक जाइए मैं कुछ दिखाता हूँ, एक मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इक्वल टू रिएक्ट डॉट, अब देखो
और ये यहाँ पर डॉट कोई नहीं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये पहले तो देखो मैं कैसे लॉन्च करता हूँ, पहले मैं चेक करूंगा ये जो है रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न क्या कर रहा है। तो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग और फिर कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से कंसोल स्क्रीन पे किया, ठीक है। और तो अभी आप लोग देखोगे अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ो, ये दो चीज से हमें मतलब है यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोवाइडर, ठीक है। ये जो चीज है ठीक है कंज्यूमर और प्रोवाइडर, ये जो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर कंपोनेंट है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग अगर प्रोवाइड करना हो वैल्यू स्टोर, तो इस प्रोवाइडर कंपोनेंट का यूज करेंगे और उस वैल्यू को एक्सेस करना है जो भी स्टोर प्रोवाइड हुआ है, तो यहाँ पर कंज्यूमर कंपोनेंट का यूज करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यू लिखा मैंने, एक ऑब्जेक्ट है और इन्हें यहाँ पर दे दिया 10। तो शायद इसमें दिखा है, तो यहाँ पर दिख रहा है देखिए करंट वैल्यू 10 है और ये, ठीक है। पर ये मुझे इस तरह से नहीं करना है। तो फ्रेंड थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हुए क्लीन वे में हम लोग करते हैं, ठीक है। इस तरह डायरेक्टली यहाँ पर मैं नहीं क्रिएट करने वाला, मैं देखो यहाँ पर SRC के अंदर एक तो मैं बना दूंगा यहाँ पर एक फोल्डर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हाँ फ्रेंड लेकिन यहाँ पर जो है ना आप लोग मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन नहीं कर सकते जिस तरह से रिडक्स को यूज करके कर सकते थे। और ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा टिकटॉक वीडियो से थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो अगर आप लोगों को लगे ऐसा तो सॉरी फॉर डैट। चलिए ये रिड्यूसर्स बन गया। अब मैं यहाँ पर देखिए इसी के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, एक कॉन्टेक्स्ट डॉट रिड्यूस, ठीक है। अब इसके अंदर आते सबसे पहले मैं यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ qnstconst और इसको मैं डिफॉल्ट स्कोप और फिलहाल मैं देखिए नॉर्मली समझने के लिए काउंटर कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा, ठीक है। इक्वल टू रिएक्ट, देखो ये लाइन लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट राइट। और इससे हम लोग को क्या मिलेगा फ्रेंड, इससे हम लोगों को मिलेगा qnstconst, तो मिल रहा है हम लोग को कंज्यूमर, दूसरा मिल रहा है प्रोवाइडर, ठीक है। और ये कहाँ से मिल रहा है, इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट से। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए equal to counter context dot provider, ठीक है। और यहाँ पर export qnstconst consumer equal to counter context dot consumer, और ये जो फाइल बना है अगर आप लोगों के पास अगर दूसरा भी टास्क करने के लिए होगा तो उसके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है।
और अगर इसको भी मैं अगर ऐसे लिखूं तो सही रहेगा, काउंटर प्रोवाइडर काउंटर कंज्यूमर। अभी मैंने बोला किस लिए, क्योंकि अगर इसमें दूसरा भी कंटेक्स्ट है ठीक है, तो उसके लिए आप लोग एक डिफरेंट नेम से उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया, अब इसको यहाँ से मैं क्लोज ही कर देता हूँ ठीक है, इसका काम बस इतना ही था। अब यहाँ रिड्यूसर्स पे आते हैं और यहाँ पर कैंटर रिड्यूसर ठीक है, रिड्यूसर डॉट जेएस। अब रिड्यूसर क्या है, सिंपली वही है, फंक्शन है, तो कॉन्स्ट रिड्यूसर और ये क्या लेता है, इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे जैसे स्टेट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू में 0 रख देता हूँ और दूसरा एक्स जैसे रिडक्स में था ठीक है, यहाँ पर स्विच लगा दो और चेक करो एक्शन का टाइप क्या है, एक्शन डॉट टू बाई थ्री। अगर केस होता है जैसे कि इंक्रीमेंट तो रिटर्न करो जो करंट स्टेट है उसमें से +1, अगर केस होता है आपका डिक्रीमेंट -1 और डिफॉल्ट। तो फ्रेंड इसको देखो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ काउंटर वाला बता रहा हूँ और आप लोग सोच रहे हैं कि हर बार यही बताता हूँ, ऐसा बात नहीं है, बात ये है कि समझना ठीक है, जितना इजी वे में समझ सके उतना ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टेट को स्टेट मैनेजमेंट चीज कर सकते हो आप लोग ठीक है, स्टेट को मैनेज करने की जितना भी चीजें है कॉम्प्लेक्स वो चीज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो कोर कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मेरा मोटिव ये था इस वीडियो में कि यूज रिड्यूसर हुक और कॉन्टेक्स्ट एपीआई दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप लोग रिडक्स को यूज नहीं करते हो तब ठीक है। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, बस इतना ही काम था। यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया यहाँ से, राइट ये हो गया। अब आते हैं एप डॉट जेएस में, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू तो मिलेगा नहीं, इसके लिए यहाँ पर यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करता हूँ मैं, क्या इंपोर्ट करूंगा मैं, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से मुझे चाहिए पहले प्रोवाइडर काउंटर प्रोवाइडर। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंटर प्रोवाइडर और ऐप को इसके अंदर इस तरह से रैप कर दूंगा, तभी जाके इससे एसोसिएटेड जितना भी कंपोनेंट है ये रूट कंपोनेंट है उसको स्टोर का वैल्यू मिलेगा। तो अभी तो कोई स्टोर है नहीं, और ये भी चीज यहाँ पर सही नहीं है, क्यों सही नहीं है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर कैसे आप लोग यूज करोगे यूज रिड्यूसर का, तो इस केस में अब यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे रिडक्स में था कि यहीं से मैं रिड्यूसर को भी स्टोर के साथ अटैच कर सकता था, लेकिन यहाँ पर app.js के अंदर आते हैं, यहाँ पर जैसा था वैसा ही रहने दो।
ऑलराइट, अब क्या करना है? यहाँ पर क्या करूंगा फ्रेंड, इस तरह से काउंटर प्रोवाइडर लिखूंगा, पर फ्रेंड एक बात बताओ, क्या ये सही तरीका है? यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये भी सही नहीं है, मैंने जानबूझ के किया, पर जैसा है वैसा रहने दो। यहीं पे मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा रैपर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट जेएस। तो देखिए बहुत बड़ा, और अब मैं यहाँ पे तो फ्रेंड ये बन गया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये देखो एक कंपोनेंट ही है, तो यहाँ पर मैं यूज रिड्यूसर का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यूज रिड्यूसर हुक आप लोग को एक एरर रिटर्न करता है, तो पहला तो हम लोग का वैल्यू रहेगा, ठीक है, और दूसरा अब ये बताने वाला रिड्यूसर को कि ये चीज करो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पैच, इक्वल टू यूज रिड्यूसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज पास कर सकते हैं, एक फंक्शन और दूसरा इनिशियल वैल्यू। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, हमारा जो रिड्यूसर है, ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन वो कहाँ पर है, इसके अंदर से, इस रिड्यूसर की ये काउंटर रिड्यूसर, ये फिर यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर, फ्रॉम तो फ्रेंड ये इस तरह से शो कर रहा है, क्योंकि देखिए ये कहाँ पर गया है। ऑलराइट, अब सही है, डॉट स्लैश, और ये मिल गया हम लोग को रिड्यूसर, और इसके अंदर है ये काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को क्या चाहिए, काउंटर प्रोवाइडर, तो वो किसमें आप लोग का, इस ये कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, इसमें ये चाहिए हम लोग को। और देखिए मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया है, तो इंपोर्ट अब देखिए उसमें से क्या चाहिए मुझे, फ्रॉम ये कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट में है, और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, PIDER काउंटर प्रोवाइडर। और यहाँ पे रिटर्न पे मैं कर दूंगा, यहाँ पर देखो काउंटर प्रोवाइडर, और स्टोर में देखो स्टोर में आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को, तो काउंट या फिर ऑब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करना, ये जो है यहाँ पर, क्यों ना डायरेक्टली इसी को उठा के यहाँ से ये कर दिया मैंने, और बेसिकली ये जो वैल्यू ना लिख के वो कर देते हैं काउंट, काउंट
और देखो जो भी कंपोनेंट ये जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट से रैप करेगा, ठीक है, उसको ये चीज मिल जाए, उसको ये जो काउंटर डिस्पैच ये दोनों चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी रैप करेगा ये जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड वो उसका चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चिल्ड्रन, या फिर जैसे नॉर्मल लिखते हो आप लोग प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी तो पास होता है, तो डॉट चिल्ड्रन, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया। यहाँ पर नहीं, जैसे यहाँ पर जैसे रिडक्स में करते हैं वैसे ही इम्पोर्ट करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर डायरेक्टली मैं यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था, यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर PROVIDER, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है फिलहाल, कोई बात नहीं। अब ये जो मैंने लिखा था वहां पर क्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो ये चीज है, ठीक है, एज ए प्रॉपर्टीज ये जो चिल्ड्रन है वो पास हो रहा है, तो अब इसको मिलना ही है वो स्टोर, और यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर फ्रॉम कहाँ से, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया, इतना करने के बाद अब देखते हैं इस app dot js में क्या वो रिसीव होता है या नहीं। तो वैसे तो फ्रेंड कंज्यूमर जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, ठीक है, काउंटर कंज्यूमर, इसकी मदद से हम लोगों को वो वैल्यू मिलेगा जो भी वैल्यू है, और वो डिस्पैच फंक्शन, तो आप लोग हुक का भी यूज कर सकते हो। देखिए अगर फिलहाल आप लोगों को लेना होगा वैल्यू तो किस तरह से करोगे, मैं आपको बताता हूँ। हो गया, और देखो काउंटर कंज्यूमर नहीं दिख रहा है, काउंटर ये देखो कंज्यूमर, इसको क्लिक किया मैंने, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन में हम लोगों को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखता हूँ रिटर्न कुछ भी, ठीक है, H1। अभी पहले चेक तो कर लूँ कि रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, तो मैं इस पे कंसोल डॉट लॉग किया स्टोर को, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये हेलो आया, फिर ये अनडिफाइन आया, तो ये वार्निंग दे रहा है कि वैल्यू प्रॉप इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अच्छा, तो यहाँ पर स्टोर नहीं होगा फ्रेंड, वैल्यू होगा, ठीक है, तो अभी फिलहाल ये अनडिफाइन देगा, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ना ये डिफॉल्ट सेट कर रखा है मैंने यहाँ पर काउंटर रिड्यूसर, यहाँ पर स्टेट इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डिफॉल्ट वैल्यू 0 तो यहाँ पर देखिए 0 मिल रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब एप डॉट जेएस में जाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू को दिखाता हूँ, और वो वैल्यू क्योंकि एरे पास करवाया ना मैंने, तो फर्स्ट वैल्यू है स्टोर 0, मतलब पहला इंडेक्स, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड,
पर फ्रेंड इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर कंज्यूम करने के लिए इस तरह से बताया, लेकिन इससे बेटर तरीका है क्योंकि हम लोग बुक्स का यूज कर रहे हैं तो वो इतना नहीं करेंगे। हम लोग पहले तो उस कंटेक्स्ट को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने कंटेक्स्ट क्रिएट किया था, तो वो हम लोगों को मिल जाएगा यहीं पे, काउंटर कंटेक्स्ट ये मिल गया, ठीक है। और रिएक्ट में हम लोग के पास है CONST, ये हम लोग को क्या रिटर्न कर रहा है, ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है कि काउंट और एक डिस्पैच मेथड, और यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे डिफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहला वैल्यू तो ये रहेगा, यहाँ पर देखिए ये मिल गया। और नीचे में एक बटन, दो बटन, तो फ्रेंड ये मैंने बनाया, ठीक है, फंक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखो ये डिस्पैच कौन सा डिस्पैच है जो यहाँ से मिला है हम लोग को, ये वाला डिस्पैच, ठीक है। और इसी डिस्पैच के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं, इसका टाइप है इंक्रीमेंट और या फिर डिक्रीमेंट, तो ये हम लोगों को इस रिड्यूसर को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसका टाइप देखेगा, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो +1 से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हुआ तो ये। अब यही चीज फ्रेंड आप लोग टू डू लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, बस फर्क इतना ही रहता है कि वहां पर जैसे हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं, और वो फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा आप लोगों का, जो भी ये 6 का फंक्शन है, फिल्टर है, मैप है, रिड्यूस है, या फिर आप लोग स्प्रेड अप ऑपरेटर का यूज कर लिया, स्प्लाइस मेथड का यूज कर लिया, तो उसको यूज करने से हो जाएगा। तो किया मैंने सेव, और अब देखो जैसे वो रिड्यूस ये प्लस प्लस हो गया है बेसिकली, वो ठीक है, देख रहे हो फ्रेंड, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग इसको भी जैसे रिडक्स को यूज करते हो स्टेट को मैनेज करने के लिए, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और बेटर अप्रोच है आप लोग यूज रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, दोनों को कंबाइन करके मिलाकर यूज करें तो। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।